हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
सर्वत्र हरि कीर्तन करते थे श्री महाप्रभु, सर्वत्र प्रभु का नाम सब जगह में, ठाकुर का नाम इसलिए कहते थे मुकुंद माधव जाधव हरि बोलरे बोलरे बदन हरि विच्छे निद्रा बसे जल लाती दिवस सब जगह। कहते क्या करो, जो मुकुंद माधव जाधव भगवान का नाम क्या करो, कसम भर करके मुंह में लो भगवान का नाम को, भर करके। भर करके मतलब क्या, हर समय भगवान का नाम है, जैसे कहते पेट भर करके खाओ, हम बोलते ना पेट भर करके खाओ, उसी तरह क्या करो, भगवान का नाम को मुंह भर करके, भगवान का नाम को मुंह भर करके लो एकदम, मतलब समय को नष्ट नहीं करते हुए क्या करो, हर समय भगवान की नाम को लेते रहो। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है जो भगवान का जो नाम है, क्या है भगवान का नाम, कहते हैं भगवान जिह्वा से बस करती ना, ये जिह्वा तुम्हारी बस है, सुलभम भगवत नामम। भगवान ये नहीं बताए अगर तुम मेरा नाम ले तो तुमको पैसा देना पड़ेगा, ठाकुर कहते हैं नहीं, कहते हैं इसलिए कहते आसानी से भगवान का नाम कर सकते हो। दूसरे दूसरे अवतार में जो मैं तो बड़े कठिन साधन बजे रखा, कल से भगवान आसानी बना दिया, इसलिए कदम उठते बैठते जथा तथा नाम लय महाप्रभु कहते हैं सर्वसिद्धि है। जो व्यक्ति हर समय उठते बैठते सोते जागते हर समय जो भगवान की नाम को ग्रहण करके उसका सर्वसिद्धि प्राप्त होता है। इसलिए तीन तरह का वैष्णव होता है, एक मध्यम, एक कनिष्ठ और एक उत्तम। कहते इनका लक्षण क्या है, इनका लक्षण है कनिष्ठ वैष्णव उसको कहते हैं जो बीच बीच में भगवान का नाम लेते हैं। कहते मध्यम भक्त किसको कहते हैं, और जो निरंतर निरंतर जो भगवान की नाम को ग्रहण करते हैं हर समय है। कहते जो उत्तम वैष्णव कौन है, बोले जिनको दर्शन मात्र से ही अपने आप भगवान का नाम से अपने आप आए, उसको उत्तम वैष्णव कहते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं मुकुंद माधव जाधव हरि बोल रे बदन भरी भर 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 करके भगवान का नाम को हर समय लेते रहो, समय को नष्ट मत किया करो। क्यों, कारण क्या, तो चरम पड़ी वे लाजे, मतलब क्या, अब जैसे मानव शरीर, ये मानव शरीर क्या कि मुक्ति का द्वार है, इसी जीवन में भगवान का नाम लेकर के हम संसार से पार हो सकते हैं। नहीं किया फिर अगर जानवर जैसा नहीं किया क्या चाहने पर भी भगवान का नाम ले सकते हैं, जैसे पेड़ जैसे बरगद का पेड़ जैसे खड़ा हो वो चाहने पर क्या प्रभु का नाम ले सकता है, कुत्ते सुअर मतलब भगवान का नाम क्या ले सकते हैं, कोई नहीं ले सकते। कोई भगवान का नाम तो कोई भी एक मानव शरीर के सिवाय कोई चीज प्रभु का नाम कोई भी नहीं ले सकती, इसलिए कहते चरम में पड़ी में लाजे, मतलब है अगर प्रभु का नाम नहीं लिया भजन नहीं किया फिर तो जब दूसरे जीवन में जाओगे तो स्वामी जी कहते सर पीटते रह जाओगे, लेकिन भगवान मानव शरीर नहीं देंगे, चाहने पर भी मुंह से प्रभु का नाम निकाल दिया, मुंह से प्रभु का नाम ही नहीं किया। मानव शरीर में देखो जो गुंगा है जो भगवान हमें तो अच्छा बना दिया, गुंगा तो बनाया नहीं अच्छा बना दिया ठाकुर ने, अब जो गुंगा वो चाहने पर क्या प्रभु का नाम ले सकता है, ले नहीं सकता। इसलिए कहते चरम में पड़ी में लाजे, मतलब लास्ट में बड़े शर्मिंदा में पड़ जाओगे, क्यों किसी जीवन तक भजन किया ही नहीं भक्ति किया ही नहीं और किसी जीवन में भक्ति कर ही नहीं सकते, भक्ति नहीं कर सकते फिर तो इस सौराष्ट्र जीवन में प्रभु करते रहो है। बोल रहे बदन भरी पीछे निद्रा बस जल जाते, बोले क्यों, बोले रात भर सोया, जीवन तो दुर्लभ है, रात भर सोया, सोया मतलब तुम्हारे समय तो गया बिगड़ गया, जो सोया वो खोया, जो सोया वो रात में सोए नहीं, सोए तो भय समय तो गया नष्ट नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वैष्णव गंध रात में मच्छर काटते हैं ना, तो भगवान ने मच्छर क्यों बनाया रात, बोले जीवन भगवान भजन के लिए दिया लेकिन भजन नहीं करके रात को सोते ही से मच्छर है वो तो क्यों सो रहे हो, उठ जाग हरिनाम कर, क्यों सो रहे हो बेकार समय को, क्यों तो बर्बाद क्यों समय कर रहे हो, इसलिए मच्छर काटते रहते हैं, फोटो उठो भगवान की भजन करो, इसलिए भगवान ने आपको मच्छर बनाया, ज्यादा नहीं सोए उठकर तो भगवान की भजन करो है। इसलिए कहते हैं मन दुर्लभ मानव देह पाया की कर भावना की
एमन दुर्लभ मानव देह पाया कितर भावना कर क्या पर कह रहे हैं इतना जो दुर्लभ मानव शरीर भगवान दिया तुम्हें है कोई पा करके कोई सोच नहीं सकता भगवान हम इतने दुर्लभ मानव शरीर दिए हो इसी विषय पर कोई सोच क्यों सोचते नहीं क्यों पाया कितर भावना कर एबे ना भजी ले जसोदा सुंदर चरण में बड़ी वे लाजी इसलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये जीवन पाकर भगवान की भजन में लगा दो इसलिए कहते हैं जीव कल्याण साधन काम जगते आसीय मधुर नाम देखो जीव के कल्याण करने के लिए भगवान का ही जो मीठा नाम है कृपा करके भगवान नाम रूप में ठाकुर जी कलयुग में अपना नाम रूप में आए जी मेरे कल्याण साधन काम जगत आसी है मधुर नाम है अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगने बिराजे अविद्या तिमिर तपन रूपे कहते जो अविद्या उदाहरण दिया एक अंधकार है अविद्या लेकिन भगवान का नाम कैसे नाम हृदय गगने विराज भगवान का नाम सूरज जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है यदि अविद्या रूपी अज्ञान रूपी हृदय में भगवान का नाम सूरज रूप में प्रकट होकर के सारे अज्ञान को दूर करने वाले भगवान की नाम है जिन्हें कृष्ण नाम सुधा करी अपार जुड़ाव कसि विनोद प्राण नाम बिना नाही तो आर जगत करें क्या करो कृष्ण नाम सुधा करिया पा भगवान के नाम को क्या उदाहरण देते हैं भगवान के नाम को क्या उदाहरण देते हैं कृष्ण नाम सुधा है कहते कृष्ण नाम सुधा उदाहरण दिया भगवान का नाम कैसे वो अमृत जैसे है कृष्ण नाम सुधा करिया पा तो क्या करो हर समय भगवान के नाम को पान करते रहो जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर खुद कह रहे हैं जब भगवान का नाम को हम ग्रहण करेंगे ना कहते हृदय एकदम शांत हो जाए जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण कहते प्राण को शांति कब मिलेगी कहते भगवान की नाम जब को द्वारा ही तो केवल शांति तभी मिल सकती है जब हृदय भगवान के नाम को जब करते हैं भगवान के नाम भगवान का नाम उदाहरण देते हैं कि भगवान का नाम सुधा मतलब ये अमृत है कि कृष्ण नाम रूपी सुधा को पाठ करते हृदय तुम्हारी एकदम ठंडा हो जाएगा शांत हो जाएगा बिना भक्ति बिना प्राण नाम बिना किसी नाहीता इस जगत में नाम की इतने महिमा है ना जब इसके सिवाय दुनिया में कुछ नहीं है नाहीता चौदह भुवन माधे चौदह भुवन में है चौदह ब्रह्मांड में भगवान के नाम जैसे मीठा वस्तु भगवान के नाम जैसे सुंदर वस्तु जगत में कुछ है ही नहीं इसलिए क्या करो जीवन अनित्य जाना सार ताहे नाना विपद तब यहाँ उदाहरण देते हैं जीवन अनित्य जाना सार यदि जो जीवन है क्या समझो अनित्य जाना सार मतलब एक दिन ये जीवन तुम्हारा नष्ट होगा ही लेकिन एक आश्चर्य चीज क्या है जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य किया जब धर्मराज ने प्रश्न किया श्री युधिष्ठिर महाराज को बताओ जो संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या बता सकते हो जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या कहते अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जवं मतलब हम देखा हमसे जो छोटा था उसने मर गया हमने देखा अपना सामने राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य हमारे सामने ले गया हमने खुद देखा हम क्या सोच रहे हम थोड़ी मरे जो करिए हम नहीं मरेंगे जगत में अहनी अहनी भूतानी का क्षति जब मंदिर हम देख रहे हर समय लोग मरते हुए जा रहे लेकिन जो रह जाता है वो सोचता है मैं कभी मरूंगा नहीं वो मर गया मैं कब नहीं मरूंगा लेकिन यहाँ भक्तिमन ठाकुर कहते हैं भैया ये जो जीवन है अनित्य है कमल दल जल जीवन डल मतलब
जैसे कमल पत्ते के ऊपर पानी रखो जैसे वो डगमगाता है, किस समय वो गिर सकता है, जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, जैसे हठात बनता है हठात खत्म हो जाती है, हठात बनता है हठात खत्म हो जाती है, तभी जीवन की जीवन ऐसे पानी का बुलबुला जैसे जीवन है। कब ये मृत्यु आएगी कोई नहीं बोल सकती, कि मृत्यु कब आकर के हमें पकड़ने वाले कोई नहीं बोल सकते हैं। इसलिए जीवन अनित्य जाना सार, मतलब एक दिन मृत्यु को मरना ही है, जो जन्म लिया वो मरेगा ही। जगत में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो जन्म लिए और मरे नहीं, सबके सब जन्म हुए और सबके सब मरे, मतलब ताहे नाना विध विपद भाग, फिर इतना नहीं, एक तो मानव शरीर मृत्यु है, फिर उसमें विपत्ति भाग, एक विपत्ति के बाद दूसरे, दूसरे को समस्या बाद तीसरे, तीसरे समस्या के बाद चौथे, फिर तरह तरह का समस्या 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 है, हैं? इसलिए ताहे नाना विध विपद भाग, उसके बाद में ताहे नाना विध विपद भाग, नामाश्रय करी जतने तुम्हें थातह आपन काम। इसलिए क्या करो, फिर आश्रय किसको करनी चाहिए, ये तो अनित्य है नष्ट होने वाले, लेकिन आश्रय क्या करो, हरिनाम, हरिनाम का आश्रय करो, बस भगवान के नाम को ही आश्रय करो, और यही भगवान का नाम आश्रय करोगे तो यही नाम ही तुम्हारे साथ में जाने वाले, और यही नाम अमृत है, और यही नाम ही तुम्हें भगवान के पास ले जाएगा, और जीवन में परम सुख और परम शांति भगवान का नाम तुम्हें प्रदान करेगा। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते भैया भगवान का नाम को मत भुला करो, सब दुनिया में भूल जाओ लेकिन भगवान का नाम कभी भुला मत करो, हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। कृष्ण देव भवंतं वंदे कृष्ण देव भव